खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 22 को जनता कर्फ्यू के अपील का सभी ने समर्थन किया है। कोरोना वायरस से बचने के लिए 22 मार्च को प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक घरों में रहने के प्रधानमंत्री के जनता कर्फ्यू का सभी ने समर्थन किया है। हरदोई के वरिष्ठ पत्रकार अभय शंकर गौड़ व भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राम बहादुर सहित सभी ने अपील की है कि प्रधानमंत्री जी की अपील को सफल बनाने में सहयोग करें। जनता कर्फ्यू का मतलब ये है, ये कोई सरकार द्वारा इम्पोज्ड कोई कर्फ्यू नहीं है, इसके लिए कोई आदेश नहीं जारी हुआ है। ये जनता कर्फ्यू जनता के स्वास्थ्य के लिए और जनता के द्वारा लगाया हुआ एक अपने ऊपर स्वयं का बंदिश है। हम सब लोग ऐसे कार्यक्रमों में आगे आएंगे तो ये जो बीमारी कोविड-19 है, जो संवहित होती है, जिसका ट्रांसमिशन एक से दूसरे व्यक्ति में होता है, ये रुकेगी, इसको ब्रेक मिलेगा, जिससे कि इसको फैलने से रोका जा सकता है। हम सब लोगों की आवश्यकता है कि हम सब जनता कर्फ्यू में ये सहयोग करें। इससे हमारा अपना इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, साथ ही साथ हम अपने आसपास के लोगों को भी इस बीमारी से रखने से रुकेंगे और देश हमारा जो है स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूक होकर के और बहुत परिपक्व तरीके से स्ट्रांग बने। माननीय मोदी जी ने जो अपील की है कोरोना वायरस को लेकर के, उसका मैं समर्थन करता हूं और अपने जनपद वासियों से निवेदन करता हूं कि 22 तारीख को सभी लोग अपने घरों में रहें, अपने परिवार के साथ रहें, सुरक्षित रहें। मैं सबसे पुनः अपील करता हूं कि बराबर साबुन से हाथ धोते रहें और कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए जो भी उपाय हो सकते हों वो करें, मेरा ये निवेदन। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।